हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन के बारे में बताऊंगा जो हर हॉस्पिटल में काम आती है और हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। उस मशीन का नाम है सक्शन मशीन। मैं आपके लिए बताऊंगा सक्शन मशीन कैसे काम करती है और सक्शन मशीन कैसे यूज में लाई जाती है। चलो चलते हैं। यह सक्शन मशीन, यह एक इलेक्ट्रिक मशीन है और ये लाइट से चलती है। और इसके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा, इसकी मेन बात यह है, सक्शन। सक्शन का मतलब होता है सक करना। सक मतलब किसी लिक्विड, किसी द्रव को अपनी ओर खींचना, उसे सक्शन कहते हैं। और जो सक्शन होता है वो लिक्विड अपनी ओर खींचता है और कितने प्रेशर के साथ खींचता है और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग प्रेशर यूज किया जाता है, वो सब मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें। यह जार लगे होते हैं इसमें दो। इस जार के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। यह जार, इस पे यह सक्शन होता है, यह सक्शन कैथेटर है, सक्शन पाइप, यह इस जार से जुड़ा रहता है, इस जार से जुड़ा रहता है। और इस जार से जो ये पाइप है, ये दूसरे पाइप, दूसरे जार से कनेक्ट होता है, इसे कनेक्ट पाइप कहते हैं। और जो यह तीसरा पाइप देख रहे होंगे आप, यह जो तीसरा पाइप लगा हुआ है, इस पाइप में आपको यहाँ पे यह पीला पीला कलर का दिख रहा होगा, यह फिल्टर है। यह फिल्टर इसलिए है कि इसमें कुछ जाए नहीं, कोई लिक्विड इसमें पहुँचे नहीं, क्योंकि मशीन ख़राब हो सकती है। और आपके लिए दूसरी चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, यह पीला सा, यह गेंद सी दिख रही होगी, यह इसलिए लगा रखा है, यह एक वाल्व है। यह वाल्व होता है क्योंकि जब प्रेशर से हम किसी लिक्विड को सक करते हैं, यह जार भर जाता है। यह जार भरने के बाद यह ट्रांसफ़र इस वाले जार में होता है, इस पाइप के थ्रू इस जार में होता है। जब यह जार भरना शुरू हो जाता है और यह भर जाता है, तो लिक्विड जो ये बॉल है, यह बॉल यहाँ चिपक जाती है, जिससे मशीन अपना वर्क बंद कर देती है। अब हम आपके लिए बताते हैं, इसमें जो मोटर लगी होती है, हाफ HP की मोटर लगी होती है। और इस मोटर का जो प्रेशर होता है वो आप इस वॉच पे देख सकते हैं। यह 760 mmHg की इस पे पावर होती है सक करने की। और हम अलग अलग पेशेंटों में इसका जो प्रेशर होता है सेट करते हैं। यह वैक्यूम है, वैक्यूम से हम इसको सेट करेंगे और पेशेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है। और जो पेशेंट NICU के होते हैं, NICU में बच्चे होते हैं, उनमें इसका जो प्रेशर रखा जाता है वो 80 और 90 के बीच रखा जाता है। और जो एडल्टर होते हैं उनमें इसका प्रेशर 100 by 120 करीब लगभग होता है। और जो OT के पेशेंट होते हैं उनमें सर्जरी के थ्रू क्लॉट, हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका जो वैक्यूम रखा जाता है 300 पे रखा जाता है। और तीसरी बात मैं आपके लिए बताता हूँ, इसमें एक स्विच दिया होता है, आपको बताऊँगा मैं। ये स्विच, इसको ऑन करके ये ऑन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है, मशीन चल रही है। और हम इसको सेट कर सकते हैं और इस पर हम सक्शन कैथेटर फिट करेंगे। और किसी चीज़ को सक करने के लिए हमें इसको बंद करना होता है, होल्ड करना होता है और इसमें प्रेशर शुरू हो जाता है।